देश में भाईचारा, अगर भाईचारा घटा है तो इसका मतलब आपके तीनों न्याय खत्म हुए हैं। और देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ता है, जितनी तानाशाही बढ़ती है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। अगर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट कमजोर होती है तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। कोर्ट कमजोर होती है, कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती संविधान के हिसाब से, तो तानाशाही बढ़ती है। और आज दौर वही है, देश में तानाशाही, हर तरह का न्याय कम हुआ है। और जज यहाँ क्या किसके लिए बनाए जाते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम थोड़ा है, बिठा रखे हैं, गड़बड़ हो तो तुम रोको। सोशल जस्टिस ना पार्लियामेंट ने किया, ना सरकार ने किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने किया। और इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस ना पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट में अपोजिशन के लोगों को जबरदस्ती सस्पेंड किया, चोरी चकारी से पीछे कानून पास किए गए, किसान कानून भी ऐसे पास किया गया, यूएपीए पीएमएलए घटिया कानून बनाए गए। लोगों को या बोलने वाले पत्रकारों को या एनजीओ के लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरीके से आज जो है 102 लोकसभा सीटों पे पहले चरण के चुनाव जो है वो जारी हैं, चल रहे हैं, लोग वोट देने जा रहे हैं, तो इसी मुद्दे पे कि आज जो है किसका पलड़ा जो है भारी देखने को मिल रहा है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक जी। सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे पहले चरण को आप? मुझे तो ये लगता है लोगों ने मूड बनाया हुआ है सत्ता परिवर्तन का, और सत्ता परिवर्तन होगी, अच्छी तरह से होगी, क्योंकि लोग इलेक्शन खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, पार्टियों के भरोसे नहीं हैं लोग। लोग सत्ता को बदलना चाहते हैं। अगर कहीं भी सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो जोर ज़बरदस्ती दिखाएंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतने की कोशिश या करेंगे, देश में अनरेस्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में हर बात को रखा जाएगा। वकील यहाँ देश के साथ खड़े हैं और हर बात से अवगत कराया जाएगा। और जिस बेंच में ईवीएम का केस पेंडिंग था, और दूसरे जज भी हैं, दूसरे बेंच भी हैं, चीफ जस्टिस हैं, यहाँ पे लगातार देश के लोगों की नज़र है कि देश में क्या हो रहा है, और कुछ गलत होगा तो उसका देखते हैं। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने ही ईवीएम के खिलाफ जो मोर्चा चलाया था और कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन इस बार जो है लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से ही हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें इसलिए होया, इसमें बीच में क्या हुआ, सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने खुद कह दिया कि हम खाली पर्चियाँ गिनी जाएगी तो हम उससे सहमत हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस वक्त जो लोग इलेक्शन में हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने अपना मुद्दा भी नहीं छोड़ा है, हम उस मुद्दे पर स्टैंड करते हैं। पॉलिटिकल लोगों ने कहा तो इसलिए इससे क्या होगा, इससे एक इम्प्रेशन गया कोर्ट पे भी या दूसरे लोगों के कि ये शायद थोड़े लोग होंगे जो बैलेट से चुनाव चाहते हैं, जबकि पूरा देश बैलेट से चुनाव चाहता है। मगर कांग्रेस से इन लोगों के एटीट्यूड से मैसेज ये गया कि खाली पर्ची अगर गिनी जाए तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा, पर हमारा मानना ये है पर्चियां गिनने से भी समाधान नहीं होगा। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी लगता है मुझे पर्ची गिनने के लिए भी तैयार नहीं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 जगह पे गिनने का रैंडमली भाई किसी भी 5 की टैली करके देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? तो इसमें बड़ा गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन कहता रहा पर्ची नहीं गिन सकते हैं, पर्ची छोटी हैं, पर्ची चिपचिपी होती हैं, गिना नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, इलेक्शन कमीशन हमारा है या हम इलेक्शन कमीशन के लिए बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट हमारी है या हम सुप्रीम कोर्ट के लिए बने हुए हैं? इन लोगों को देश की जनता के हिसाब से फैसले करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसले जनता के हिसाब से करने चाहिए, किसी इलेक्शन कमीशन या अरे गरे नथु प्यारे की वजह से नहीं। देश में कुछ भी बात की जाए, लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाए, कोई भी पॉलिसी को चैलेंज किया जाए, उसके ऊपर फैसला किया जाए, हमेशा देश की जनता 140 करोड़ लोग ध्यान में रहने चाहिए, किसी भी जज के, किसी भी कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि संवैधानिक कोर्ट है और संविधान उनके दिमाग में रहना चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट ध्यान में रहने चाहिए और असली ध्यान में रहना चाहिए 24 घंटे किसी भी जज के, देश के संविधान का प्रीएम्बल, भाई हमें जाना कहाँ है देश को ले जाके। उसमें 3 तरह के मेन न्याय करने हैं, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, और तीनों का आधार क्या बताया, देश में भाईचारा। अगर भाईचारा घटा है तो इसका मतलब आपके तीनों न्याय खत्म हुए हैं। और देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ता है, जितनी तानाशाही बढ़ती है, इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। जितनी हाई कोर्ट्स हैं देश में और सुप्रीम कोर्ट है, ये सीधा ब्लेम एज एन एडवोकेट, हमारे जैसे लोग तो यही कहेंगे हमारी जिम्मेवारी है, हमारी कोर्ट की जिम्मेवारी है। अगर कोर्ट, क्योंकि कोर्ट कमजोर होती है तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, कोर्ट कमजोर होती है, कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर पाती संविधान के हिसाब से, तो तानाशाही बढ़ती है। और आज दौर वही है,
देश में तानाशाही, हर तरह का न्याय कम हुआ है, आर्थिक असमानता बढ़ी है। इसका मतलब आर्थिक न्याय नहीं हुआ, और आर्थिक न्याय नहीं हुआ तो जो पॉलिसी बना रखी है सरकार ने, जिनको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसले उस अनुरूप नहीं आ पाए, इसका मतलब यही है। दूसरा अपने हाँ, दूसरा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में सामाजिकता, भाईचारा आपस में, सोशल जस्टिस बढ़ा के घटा है। लोगों में अभी भी जातीय भेद है, वर्णवादी व्यवस्था पुरजोर पे है। कहीं पे देख लो, अभी देश के खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेता है वो खुद कहता है देश में कितने सेक्रेटरी हैं, एक ही जाति के लोग भरे पड़े हैं। जजों में देख लो, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, चंद दो तीन जातियों के सारे जज हैं लगभग, बाकी तो नमक मात्रा में है, जैसे सब्जी में हल्का सा नमक होता ना, उस तरह से हैं। तो ये कैसे हुआ 75-80 साल में देश में? इसका मतलब कोई सोशल चेंज नहीं हुआ, और कोई सोशल चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब लोगों को न्याय नहीं मिला। ये नहीं है कि कुछ लोग ही हैं, कुछ समाज के कुछ लोग हैं जिनमें अकल ज़्यादा होती है, या वही ज़्यादा समझदार हैं, और पैसा बड़ा है, कुछ लोगों का पैसा आधी आबादी से भी ज़्यादा हो गया थोड़े से लोगों का, ये क्यों हुआ? इसका मतलब इकोनॉमिकल जस्टिस ना सरकार ने किया, ना पार्लियामेंट ने किया, और ना सुप्रीम कोर्ट ने किया। सोशल जस्टिस ना पार्लियामेंट ने किया, ना सरकार ने किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने किया। और इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस ना पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट में अपोजिशन के लोगों को ज़बरदस्ती सस्पेंड किया, चोरी चकारी से पीछे कानून पास किए गए, किसान कानून भी ऐसे पास किया गया, UAPA PMLA घटिया कानून बनाए गए, और सरकार में जो आदमी अफसर बोलता नहीं सरकार के हिसाब से, गलत काम नहीं करता, उनको खुड्डे लाइन लगा जाता था ईमानदार अफसरों को, तो ये सारा का सारा। और अब लोगों को, अपोजिशन के लोगों को, या बोलने वाले पत्रकारों को, या NGO के लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। और ये है पॉलिटिकल इनजस्टिस, और उस पॉलिटिकल इन लोगों के साथ जस्टिस करने के लिए 5 साल में सबसे बड़ी अदालत लगती है, देश की अदालत, और देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सरकार गलत काम कर सकती हैं, क्योंकि देश की संस्थाएँ हैं, देश ने बनाई हैं, ये अगर गलती या बेवकूफ़ी करें तो देश की जनता के पास पूरा हक है इन तीनों के खिलाफ खड़े होने का, तीनों के खिलाफ आवाज़ उठाने का। दो गड़बड़ करें सरकार, पार्लियामेंट, तो हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही न्याय ना कर पाए और गड़बड़ करे तो देश कहाँ जाए? फिर देश आवाज़ उठा सकता है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में बैठे हुए लोग अन्याय कर रहे हैं या न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए कि उनका इस्तीफा मांगे, और पार्लियामेंट को मजबूर करें उनके खिलाफ इम्पीचमेंट करने के लिए, उनको हटाने का जो तरीका है वो करने के लिए। इसलिए जनता सत्ता परिवर्तन करेगी, जनता ये सब समझ रही है। आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन करेगी, लेकिन अब वही दूसरी तरफ एक और चीज बार बार बोल रहे थे कि EVM से अगर चुनाव होते हैं तो सत्ता परिवर्तन होना मुश्किल है, क्योंकि 400 पार ये EVM से ही लाते हैं, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, चुनाव EVM से हो रहे हैं। EVM में जो धांधली होती है, वकीलों ने, हम लोगों ने सारी बातें बता दी है, अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट को देखना, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है देखना, नहीं सुप्रीम कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड, इसी के काम के लिए तो बिठा रखे हैं, और जज यहाँ क्या किस के लिए बनाए जाते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बिल्डिंग का नाम थोड़ा है, बिठा रखे हैं, गड़बड़ हो तो तुम रोको,